हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में हुई तेज बारिश का असर गंगा के जल स्तर में देखा जा रहा है। सोमवार को गंगा का जल स्तर अपस्ट्रीम 113 मीटर पहुंच गया था, जो कि अलर्ट जोन पर माना जा रहा है। ऐसे में कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो हरिद्वार से छोड़े गए पानी को आने में एक हफ्ते का समय लग जाता है, जिससे गंगा का जल स्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं गंगा बैराज की अगर बात की जाए तो यहां पर जल स्तर अपस्ट्रीम 113 मीटर पहुंच गया है। पहाड़ों में अधिक बारिश के चलते जल स्तर बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कानपुर में एक हफ्ते तक किसी भी तरह के बाढ़ की आशंका नहीं नजर आ रही है। एमपी में तो बाढ़ का खतरा बना हुआ है और बाढ़ से वहां के लोग लगातार पीड़ित हैं, लेकिन कानपुर के जो गंगा के किनारे के गांव हैं उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि कानपुर की गंगा अभी खतरे के निशान पे नहीं पहुंच पाई है। अगर बात की जाए यहां पर एक्सपर्ट की, तो एक्सपर्ट का साफ तौर पर कहना है हरिद्वार से तो पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन यहां पानी आते आते हफ्ते भर का टाइम लग जाता है और बाढ़ का खतरा पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है। अगर आप पीछे देखेंगे भी तो गंगा बैराज पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, तो किसी भी तरीके की ऐसी कोई समस्या या ऐसा कोई गंगा जी का जो बढ़ाव है वो दिख नहीं रहा है। और साफ तौर पर अगर वो सामने बैराज के मैप को भी अगर नज़र डालेंगे तो वहाँ पर भी इस तरीके की कोई भी खतरे के निशान पर गंगा पहुँचती नहीं दिखाई दे रही है। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जो बाढ़ के खतरे के निशान को मापा जाता है तो शुक्लागंज के क्षेत्र पे जो गंगा नदी के किनारे मीटर बना हुआ है वहां से गंगा को पैमाने को मापते हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर भी इस तरीके का कोई खतरे के पार गंगा नहीं गई है और ये एक राहत भरी खबर कानपुर के गंगा के किनारे जो बसे गांव हैं उनके लिए है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता, न्यूज प्लस कानपुर।